हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि नारी ही है इस दुनिया की आन बान शान। लाइव टुडे ऐसी ही सशक्त महिलाओं के साथ इस महिला दिवस को बना रहा है और भी खास। आप भी देखिए किस तरह इन्होंने लिखी नारी की नई परिभाषा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि मोदी सहाय है और जैसा कि आपने सुना, मैं क्लैट पॉसिबल की CEO हूँ। हम लोग ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि ये महिलाओं को ज़्यादा मैं महिलाओं के साथ ही ये रन करूँगी। बट रास्ते में हर शहर जहाँ पे हमने शुरू किया, वहाँ हमारे साथ सेंटर हेड के तौर पे महिलाएं जुड़ती चली गईं और हम उन्हीं के मतलब जिसे कहेंगे कि उनकी लीडरशिप को यूज़ करते हुए अपना ग्रोथ चार्ट करते गए। तो आज क्लैट पॉसिबल एजुकेशन सेक्टर में आई थिंक वन ऑफ द ओनली टेस्ट प्रेप इंस्टीट्यूट्स होगा जहां पर मैक्सिमम एम्प्लॉई स्ट्रेंथ महिलाओं की है। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे महिलाओं को एज अ माइनॉरिटी ट्रीट करते हैं, यहाँ पर ऐसा ना हो के महिलाओं का जो दर्जा है वो एज अ मेजॉरिटी है। हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हम जानते हैं हमें कैसे काम करना है, हम कैसे काउंसिल कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने काम के जरिए सोसाइटी में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया हुआ है स्टूडेंट्स के में, पेरेंट्स में। तो कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कुछ कम कर रहे हैं या फिर हम लोगों के में के काम करने के तरीके में कुछ प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो बहुत प्रोफेशनली रन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अभी हम लोग 17 शहरों में हमारी प्रेजेंस है, जिसमें से मैं अराउंड 14 सेंटर्स जो हैं वो सारे के सारे महिलाओं के सेंटर मैनेजर्स, लेडी सेंटर मैनेजर्स से रन, दे आर बीइंग रन बाय लेडी सेंटर मैनेजर्स। फ्यूचर एज आई सेड, ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि हम कॉन्शियसली ये कर रहे हैं, बट अब जब ऐसा हो गया है तो डेफिनेटली हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्लैट पॉसिबल को आई सी क्लैट पॉसिबल एज अ ब्रांड जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएगा ऑनलाइन सेक्टर में। ऑफलाइन में हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बट अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना एंट्री लाना चाहते हैं। हर चीज़ सीमलेस लर्निंग जिसे कहते हैं, जो विदेशों में हम देखते हैं टेस्ट प्रेप, जी मैट, एलसैट में, वैसा ही हम यहाँ पे माहौल लाना चाहते हैं। क्लैट पॉसिबल टॉप 23 स्टूडेंट्स हमारे हर साल 100 रैंक के अंडर लाते हैं और इन द लास्ट 7 ईयर्स हमने करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चों को उनकी लॉ स्कूल जर्नी हमने शुरू कराई है। तो नेचुरली ये नंबर्स बरकरार रहें, बढ़ते रहें, दिस इज़ व्हाट आई होप फॉर। हाँ जी, हमने शुरू में जब ये सोचा था तो बहुत ही कम लोग इस एग्ज़ाम को देते थे। गिने चुने लोग जिनको लॉ के क्षेत्र के बारे में जानकारी थी या जिनके पेरेंट्स लॉयर्स थे, वो भी बिग लॉयर्स, जजेस, इन्हीं के बच्चे देते थे एग्ज़ाम। तो बहुत शुरू से हमने शुरू किया है 17 बच्चों से, फिर 34, और आज लखनऊ नंबर 2 मार्केट है, मतलब क्लैट टेकर्स का नंबर 2 मार्केट है इस कंट्री में। तो बहुत संघर्ष रहा, हर साल 4-5-6 महीने स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल प्रिंसिपल सबके साथ काम करके अवेयरनेस बढ़ा के हमने ये नंबर्स बढ़ाए, जो कि ना कि क्लैट पॉसिबल के नंबर्स हैं, क्लैट टेकर्स के ही नंबर्स हमने इंक्रीज़ किए हैं। मेरा फिटनेस जर्नी एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ ही शुरू हुआ। वो एक आयरन मैन है, मतलब एक ट्रायथलीट हैं जो आयरन मैन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेचुरली अगर आप एक एथलीट के साथ रह रहे हैं तो आप खुद ही अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू अ फिट लाइफस्टाइल। तो अब वो एक जर्नी का हिस्सा हो गया है और काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी दोस्त
मेरे से बात करते हैं और मैं उनको मोटिवेट करती हूँ उनको, तो उनकी वजह से मैं ये फिटनेस वीडियोस डालने लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने को मिले। तो बस उसी से ही ये शुरू हुआ। अब काम करने के लिए हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए वो इसी बॉडी से ही मिलती है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग हुई है सत्यम की और मेरी, कि अगर हमारी बॉडी हमारा साथ देगी तभी हम इतना काम कर पाएंगे, और अभी तो काम बहुत करना है आगे, तो होपफुली ये फिटनेस रेजिम उसमें हेल्प करेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो सीखा है, मैं अच्छा काम तभी कर पाती हूँ जब मैं अपना खुद का ख्याल रख पाती हूँ। तो हर लेडी को ये समझना है कि पहले खुद को आगे रखें, फिर फैमिली वर्क सब पीछे पीछे अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। हर दिन होना चाहिए नारी के नाम, क्योंकि नारी ही है इस दुनिया की आन बान शान। लाइव टुडे ऐसी ही सशक्त महिलाओं के साथ इस महिला दिवस को बना रहा है और भी खास। आप भी देखिए किस तरह इन्होंने लिखी नारी की नई परिभाषा।